राम राम साथियों, खमागणी राजस्थान के एग्जाम के पेपर्स उपलब्ध कराने वाले चैनल द फ्यूचर्स एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। राजस्थान में वन रक्षक यानी फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती का तीसरा पेपर जो कि आपके 13 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में आयोजित करवाया गया है, मॉर्निंग शिफ्ट का, वो पेपर आपको हम इस वीडियो में उपलब्ध करवाएंगे और सॉल्व पेपर रहेगा ये, ठीक है। अनुमानित आधार पर आपको हर प्रश्न का उत्तर यहाँ बताया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, पहले क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। बाकी जो आपके पेपर्स हैं, चार शिफ्ट में आपके फॉरेस्ट गार्ड का और दो शिफ्ट में फॉरेस्टर के पेपर हुए हैं। बाकी के लिंक्स आपको नीचे उपलब्ध करवा दिए गए हैं। आरएसएमएस भर्ती बोर्ड के पेपर्स में से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुए हैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स में से, और बता देना चाहूँगा कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। चलिए शुरू करते हैं हम यहाँ पर, सबसे पहले 51 नंबर से शुरू करेंगे, ठीक है। हम यहाँ 50 नंबर के क्वेश्चन से शुरू करते हैं, 51 से नहीं करके 50 से शुरू करते हैं। 50वां क्वेश्चन है, राजस्थान में वार्ड पंच उप सरपंच किसे संबोधित कर अपना त्यागपत्र देता है, यानी कि त्यागपत्र किसे देता है, तो ए आ जाएगा इसमें खंड विकास अधिकारी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नगरीय निकायों का नहीं है, 51 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आबकारी नियमन। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन में कहा गया है 52 में चूरू में धर्म स्तूप को इस नाम से भी जाना जाता है, 52 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाल घंटाघर। अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से अलाउद्दीन खिलजी के समय शासक स्थान सम्मिलित नहीं है, तो यहां पर 53 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा जोधपुर, ऑप्शन सी। और 54 पर आ जाते हैं, 54 में कहा गया है निम्नलिखित में से बड़ी तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है, 54 में आ जाएगा ए भाद्र कृष्ण तृतीया को, ठीक है। भाद्र कृष्ण तृतीया को राजस्थान में सोम कागदर सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। और सोम कागदर ये आपके लक्ष्य की किताब में से आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। लक्ष्य की किताब में से भी कई क्वेश्चन पड़े हैं आपके, पूरे जो फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती उसमें कई क्वेश्चन पड़े हैं, वो मैंने बताया है कौन कौन से क्वेश्चन पड़े हैं, और जितने तक क्वेश्चनों का मुझे ध्यान है वही मैं बता पाया हूँ। काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर आपके, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लक्ष्य की किताब में से आए हैं, तो 55 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी उदयपुर, ठीक है, 55 में सी आ जाएगा। 56 पर आ जाते हैं, करौली राज्य ने 1857 के विद्रोह के दौरान किस शासक की सहायता हेतु अपनी सेना भेजी, 56 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोटा। अगला क्वेश्चन है 57, रणमल छंद की रचना किसने की, ऑप्शन बी आ जाएगा इसमें श्रीधर। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम, 1 से 49 तक के क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, पहले हम 100 तक के क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं। निम्नलिखित सीमेंट उद्योग स्थान में से कौन सा सुमेलित नहीं है, 58 में ए आ जाएगा बिड़ला वाइट सीमेंट गोटान। अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से किसका मूल नाम कोशवर्धन था, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ए आ जाएगा इसमें शेरगढ़, ऑप्शन ए शेरगढ़। अगला है, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी है, 60 में आ जाएगा बी वागड़ी, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 61 में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवी स्थान सुमेलित नहीं है, रिपीटेड क्वेश्चन है, 2022 की कई एग्जाम में आ चुका है, खासकर ये ओसिया माता वाला क्वेश्चन आपके पिछली भर्ती में ही आया हुआ है, ठीक है। फॉरेस्ट गार्ड का जो कल का पेपर हुआ था उसमें ही आपके आई माता संबंधित क्वेश्चन आया था, और ये कहाँ पर है ये भी आपको पता है, बिलाड़ा में, तो ये यहाँ पर इससे आप पता कर सकते हैं कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनमें से ऑप्शन में कई क्वेश्चन डाल देता है और ऑप्शन में से उठा करके कई क्वेश्चन वो बना देता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा लोक देवी स्थान सुमेलित नहीं है कहा गया है, इसमें ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पर 61 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, आई माता ओसिया वाला, ठीक है। बाकी तीनों सुमेलित है, शीतला माता चाकसू है, शिला देवी आमिर और दधिमती माता गोट मंगलोद, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई एग्जाम में से, अलग अलग एग्जाम में से उठा करके ऑप्शन यहाँ डाल देता है। राजस्थान में राजस्थान पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है, 62 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी जयपुर। अगले क्वेश्चन है, कतरियासर प्रमुख गद्दी है, रिपीटेड है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा जसनाथी संप्रदाय की। दधिमती माता का मेला निम्न में से किस जिले में आयोजित किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा नागौर। अगला क्वेश्चन है, 65 निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, कौन सा जोड़ा यहाँ पर गलत है, 65 नंबर का जो क्वेश्चन है इसके लिए आप ऑफिशियल आंसर की का इंतजार करें, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सस्पेंस है, तो इस क्वेश्चन के लिए आपको ऑफिशियल आंसर की का इंतजार करना होगा। ऑफिशियल आंसर की जैसे ही आती है उसके आधार पर पेपर सोल्यूशन आपको द फ्यूचर्स एजुकेशन द्वारा उपलब्ध हो जाता है, ठीक है। अगर आप कोई भी पेपर पाना चाहते हैं और आप इधर उधर जाकर के और सर्च करते हैं और वहाँ पर आपको 100% ओरिजिनल पेपर नहीं मिल पाता है, लेकिन यहाँ पर आपको पेपर्स बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर्स यहाँ पर उपलब्ध होते हैं, तो यहाँ पर आप क्या करें, उस पेपर का नाम लिखें YouTube पर आकर के, और उसके पश्चात आप चैनल का नाम लगा दें द फ्यूचर्स एजुकेशन, ठीक है, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आप लिख सकते हैं द फ्यूचर्स एजुकेशन। द फ्यूचर्स एजुकेशन लगाने से आपको पेपर्स मिल जाएगा निश्चित रूप से, क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको उपलब्ध करवाना मेन तौर पर चैनल का काम है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स और ऑफिशियल आंसर के आधार पर पेपर सॉल्यूशंस उपलब्ध करवाए जाते हैं, तो यहाँ पर आपको हम
अगले क्वेश्चन पर ले चलते हैं। 66 नंबर के क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं और कहा गया है राजस्थान में बेरिलियम के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। 66 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, जयपुर और उदयपुर। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कहा गया है अगले क्वेश्चन में कहा गया है 67, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान, कौन सा कथन बेड़त नदी के संबंध में सही नहीं है। 67 जो क्वेश्चन है दोस्तों ये सस्पेंस से भरा है, तो इसके लिए आप ऑफिशियल आंसर की का वेट करें। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ। 68 में ए आ जाएगा, 7 चरणों में। अगला क्वेश्चन आ जाता है जोधपुर में निम्न में से कौन सी छतरी स्थित नहीं है, नहीं कहा गया है, कौन सी नहीं है, ए आ जाएगा इसमें 69 में। ए 8 खंभों की छतरी। काका जी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है, 70 में बी आ जाएगा, दोसा। अगला क्वेश्चन आ जाता है 7 अग्निवेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है, किस स्थान से प्राप्त हुई है, बी आ जाएगा इसमें कालीबंगा से, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं के अनुपात में, अनुपात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है, वो आपको नीचे से कूट का चयन करना है। तो 72 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, 1, 2 और 4 सही है। 1 सही है, सभी जिलों में सामान्य लिंगानुपात 1000 से कम रहा। 2 भी सही है, राजस्थान में सामान्य लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम था। और 4 भी सही है, सभी जिलों में पाली को छोड़कर के ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य लिंगानुपात 1000 से कम रहा। ठीक है, 72 में ए आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। 73 पर 73 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कृषक आंदोलन और नेता सुमिलित नहीं है, बूंदी नैनूराम, कल के पेपर में देखने को मिल चुका है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। तो आपके क्वेश्चंस कैसे रिपीट होते हैं, कुछ इस प्रकार से भी रिपीट हो जाते हैं। तो यहाँ पर 73 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, बेगू मघाराम वैद्य वाला। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी महिला जेल नहीं गई, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, और इसमें आ जाएगा आपके 74 में ऑप्शन नंबर डी काली बाई, ऑप्शन डी काली बाई। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उसके बाद नीचे आपको कथन बताना है कौन सा सही है, सही कूट का चयन करना है 75 में। और 75 में ऑप्शन बता देते हैं पहले, 75 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, बी के अनुसार केवल सेकंड वाला सही है, बैराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। ठीक है, 75 में बी आ जाएगा। 76 है नाथूराम पोद्दार की हवेली शेखावटी में कहाँ स्थित है, 76 ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, बिसाऊ। 77 पर आ जाते हैं, सूफी संत मीठे शाह की दरगाह, ये आपके लक्ष्य किताब में से आया हुआ क्वेश्चन है। सूफी संत मीठे शाह की दरगाह निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है, 77 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, गागरोन। अगला क्वेश्चन है विजय स्तंभ के बारे में अधोलिखित कथनों के कथनों को पढ़िए और सही कूट का चयन करना है, 78 में ए आ जाएगा। ए के अनुसार एक कथन सही है इसमें, केवल एक नंबर वाला, यह 9 मंजिला स्तंभ है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 79 पर आ जाते हैं हम। 79 हमारा क्वेश्चन नंबर रह गया है, 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था, 79 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठाकुर कुशाल सिंह ने। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 80 पर, 80 में कहा गया है कच्छी घोड़ी नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही है, 80 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 2 सही है और 3 सही है। यह राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र से आरंभ हुआ, 3 भी सही है, विशेषतः विवाह के अवसर पर किया जाता है। 81 पर आ जाते हैं, कहा गया है 81 में निम्नलिखित पर्वतों की ऊंचाइयों का सही अवरोही क्रम चुनिए, 81 में ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आ जाएगा, तारागढ़, खोह, अचलगढ़ और सैर पीक, यहाँ पर ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है वन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार राजस्थान का कुल वन क्षेत्र है, इसके लिए आप ऑफिशियल आंसर की का इंतजार करें। ठीक है, ऑफिशियल आंसर की का वेट करें 82 नंबर के क्वेश्चन के लिए। 83 पर आ जाते हैं, कहा गया है महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया, 83 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, बयाना की लड़ाई। अगला क्वेश्चन है कोलू गांव किस लोक देवता से संबंधित है, 84 में डी आ जाएगा, बाबूजी से। अगला क्वेश्चन राजस्थान राज्य में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था, 85 में सी आ जाएगा, 1977 में, 1977। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 86 पर, 86 में कहा गया है दत्तानी के युद्ध के समय सिरोही का शासक कौन था, 86 में ए आ जाएगा, महाराव सुरतान। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में गोपीचंद गुफा कहाँ स्थित है, 87 में ऑप्शन नंबर ए आएगा, माउंट आबू, राजस्थान का पहला भालू अभयारण्य है, 88 में सी आ जाएगा, सुंधा माता। अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं,
अगला क्वेश्चन है 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? 89 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक कौन थे? 90 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चित्रांगद मोरी। अगला क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों में उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है? 91 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, जयपुर अजमेर अलवर टोंक। अगला क्वेश्चन है मंजीरा तानपुरा चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग अधोलिखित किस नृत्य में किया जाता है? ए आ जाएगा 13 है ताली नृत्य। अगला क्वेश्चन है 93 निम्नलिखित में से कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है? मरुस्थलीय किले की श्रेणी में कौन सा किला आता है क्वेश्चन है, ठीक है, सी आ जाएगा इसमें जूनागढ़। 93 में सी आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 1 से 49 तक के क्वेश्चन हमारे बाकी हैं, तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर से देखें। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है? 94 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, जसवंत थड़ा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेले और स्थान सही सुमिलित नहीं है? 95 में सी आ जाएगा, जसवंत पशु मेला करौली। अगला क्वेश्चन है 96 दिसंबर 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि के समय कोटा के महाराव कौन थे? 96 में ए आ जाएगा उम्मेद सिंह प्रथम। अगला क्वेश्चन आ जाता है 97 सुमेलित करें, यहाँ पर सुमेलित करना है नृत्य से संबंधित है, ठीक है। 97 में बी आ जाएगा, बी के अनुसार 3, 2, 1 और 4 चरी नृत्य आपके चला जाएगा, गुर्जर से संबंधित है। अगला आपके आ जाएगा रणवाजा नृत्य और ये आपके आ जाएगा मेव से, ठीक है। अगला आ जाएगा आपके संकरिया नृत्य कालबेलिया से है और चकरी नृत्य ये आपके 4 पर आ जाएगा कंजर से, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। इंडोनी लोकगीत गाया जाता है 98 में कहा गया है इंडोनी लोकगीत गाया जाता है 98 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, महिलाओं द्वारा कुएं से पानी लेने जाते समय। मारवाड़ में दामणी क्या है? रिपीटेड है। 99 में सी आ जाएगा, ओढ़नी का एक प्रकार। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 1921 में भवानी नाट्यशाला कहाँ स्थापित की गई थी? 100 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, झालावाड़। अब हम शुरू करते हैं 1 से 49 तक के क्वेश्चन, वीडियो को एंड तक देखें। तो यहाँ पर पहले नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है, उनका लघुतम समापवर्तक 154 है। पहली संख्या 1 में आ जाएगा ए, 14 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कितने समय में 1200 रुपये 6% प्रति वर्ष सरल ब्याज की दर से 1344 रुपये हो जाएगा? दूसरे में आ जाएगा ए, 2 वर्ष। अगला क्वेश्चन है यदि एक्स प्लस 1/x = 2 है तो x² + 1/x² बराबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 2। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आ जाता है 4 नंबर का, अरिहंत सिंह के 3 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात 3:4:5 है, उसके सबसे छोटे और सबसे बड़े बच्चे की औसत आयु क्या होगी यदि उसके केवल 3 बच्चे थे? 4 में D आ जाएगा, 12 वर्ष। अगला क्वेश्चन है यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल A तथा ऊंचाई B हो तो A/B² का मान क्या है? 5 में C आ जाएगा, √3। अगला क्वेश्चन आ जाता है दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है, कोण CBD ज्ञात करना है आपको, कोण CB और D, ठीक है, कोण CBD ज्ञात करना है, तो यहाँ पर 6 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, 50 डिग्री। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम, अगला क्वेश्चन आ जाता है 7 नंबर का, 16 व्यक्ति 6 दिनों में 1/5 खेत काट देते हैं, 8 दिनों में शेष खेत को काटने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी समान दक्षता वाले? 7 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 48। अगला क्वेश्चन है 8वां, यदि त्रिभुज ABC में यदि कोण A माइनस कोण B बराबर 15 डिग्री और कोण B माइनस कोण C बराबर 30 डिग्री तो कोण A बराबर क्या होगा? 8 में B आ जाएगा, 80 डिग्री, ऑप्शन बी 80 डिग्री। अगला क्वेश्चन है 9वां, एक ही कीमत पर 2 मोबाइल फ़ोन खरीदे गए, एक को 30% के लाभ पर बेचा गया, दूसरे को प्रथम मोबाइल के विक्रय मूल्य से 2500 रुपये कम पर बेचा गया, यदि दोनों मोबाइल फ़ोन पर अर्जित कुल लाभ 5% था तो एक मोबाइल फ़ोन का लागत मूल्य क्या था? 9वें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5000। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 10वें क्वेश्चन पर, कहा गया है 10वां क्वेश्चन है 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 21 और 28 से पूर्णतः विभाज्य हो। 10 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 1,380। अगला क्वेश्चन आ जाता है राजीव जनवरी अप्रैल जुलाई और अक्टूबर में बचे हुए महीनों की औसत वेतन 600 रुपये प्रति महीना का 3/2 गुना कमाता है,
उसकी जनवरी अप्रैल जुलाई और अक्टूबर की बचत बचे हुए महीनों की बचत 400 रुपये प्रति महीना का 5/4 गुना है, उसका प्रति महीना औसत व्यय क्या है? 11 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 266.65, ठीक है 266.66 रुपये डी आ जाएगा 11 में। 12वां क्वेश्चन आ जाता है, 100 मीटर लंबी एक ट्रेन 72 किमी घंटे की दर से एक पुल को 25 सेकंड में पार कर लेती है, पुल की लंबाई कितनी है? 12 में ए आ जाएगा 400 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा 13वें नंबर का, 13 में कहा गया है यहाँ पर ये आकृति वाला क्वेश्चन है, ठीक है, और इसमें आपके 13वें में ऑप्शन नंबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा ए 60 डिग्री। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम, 14वां क्वेश्चन है, एक राशि 3 वर्षों में 1344 हो जाती है और 7 वर्षों में यह 1536 हो जाती है, वह मूल राशि क्या है जहां साधारण ब्याज दर प्रभारित की जानी है? 14वें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12000। अगला क्वेश्चन है 15वां, यदि किसी संख्या का 37 1/2% 45 है तो संख्या का 27 1/2% क्या होगा? 15 में सी आ जाएगा 105। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जोड़े में समान SI इकाइयां हैं, ठीक है 16वें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्य और ऊर्जा, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम, अगला क्वेश्चन आ जाता है 17 नंबर का, सोनार का पूर्ण रूप क्या है? 17 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, घर्षण गुणांक की विमाएं हैं, 18 में ए आ जाएगा विमाहीन। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम, 19 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है, जब किसी गैस को स्थिर दाब पर गर्म किया जाता है तो इनमें से क्या क्रिया होगी? तो इसमें क्या प्रक्रिया हो जाएगी इसकी? ऑप्शन सी आ जाएगा, इसमें तापमान और आयतन दोनों में वृद्धि हो जाएगी। टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? 20 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, लाइकोपीन के कारण। अगला क्वेश्चन है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के संबंध में कौन से कथन यहाँ पर सही है? बताने हैं आपको कौन से कथन यहाँ सही है। 21 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 1 और 3 सही है, 1 सभी पदार्थ बहुत छोटे कणों से बने होते हैं, और 3 भी सही है, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या परिवर्तनशील होती है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए आ जाएगा लिथियम। 23वां क्वेश्चन है, आँख के किस भाग में वर्णक होता है जो व्यक्ति की आँखों का रंग निर्धारित करता है? ऑप्शन बी आ जाएगा आयरिस, ऑप्शन बी आयरिस। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 24 में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी रोग और कमी गलत है, गलत कहा गया है, कौन सी है? 24 में बी आ जाएगा मैरास्मस, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट वाला। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदों का गोल होने का कारण है? 25 में बी आ जाएगा पृष्ठ तनाव। अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव का ठोस में कोलोइडी विलयन का उदाहरण है? 26 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा चीज़। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, 27 ऊष्मीय मान के क्रम में है, 27 में डी आ जाएगा वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वाला। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम, 28 पर, नम हवा में ध्वनि का वेग शुष्क हवा की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि नम हवा में क्या होता है इनमें से? और इसमें आ जाएगा डी, शुष्क हवा की तुलना में कम घनत्व। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना को प्रकाश के अपवर्तन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है? 29 में बी आ जाएगा लाल शिफ्ट। अगला क्वेश्चन आ जाता है, किसी अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पन्न प्रकाश की तीव्रता को मानक स्रोत के रूप में मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? 30 में आ जाएगा डी फोटोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, 31, किस जिले ने जून 2022 में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? 31 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा करौली। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान का उद्योग मंत्री कौन है? बी आ जाएगा शकुंतला रावत। 33 में कहा गया है, 33 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं, RBI द्वारा अर्थशास्त्र बैंकिंग वित्तीय मुद्दों पर मूल रूप से हिंदी में किताबें लिखने के लिए किसे पुरस्कृत किया गया? 33 में सी आ जाएगा प्रोफेसर रेणु जटाना और डॉक्टर सागर सांवरिया। 34 अप्रैल 2022 में जारी 100 स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में उदयपुर को कौन सा स्थान मिला है? 34 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा दूसरा। अगला क्वेश्चन है, मेडिफेस्ट 2022 प्रदर्शनी का आयोजन किस शहर में किया गया? 35 में ए आ जाएगा जयपुर, ठीक है 35 में आ जाएगा ए। 36 पर आ जाते हैं हम, 36 में कहा गया है, राजस्थान में किस स्थान पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया गया? 36 में डी आ जाएगा जोधपुर।
द फ्यूचर्स एजुकेशन पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। किस जिले में स्थित मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है? 37 में डी आ जाएगा बाड़मेर। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया। 38 में सी आ जाएगा सवाई मानसिंह स्टेडियम में। अगला क्वेश्चन 39 नंबर का, 39 में कहा गया है, राजस्थान सरकार द्वारा टीबी रोगियों को वित्तीय पोषण और शैक्षिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? 39 में बी आ जाएगा राजस्थान निक्षय संबल योजना। मई 2022 में राजस्थान के किस मंत्रालय ने सिलिकोसिस पोर्टल 2022 का शुभारंभ किया? 40 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। 40 में डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 41। दोस्तों बता देना चाहूँगा, आप जो आंसर लगा करके आए हैं बोर्ड में, जिन्होंने पेपर्स यहाँ पर अटेंड किया है उनके लिए कहना चाहूँगा, जिन्होंने पेपर्स अटेंड किया है वो अपनी आंसर की जो आपको मिली है उसको संभाल कर रखें, क्योंकि बहुत काम आएगी। क्योंकि ऐसे बहुत से मेरे दोस्त हैं जिनका ये कमेंट आता है कि सर हमारी आंसर की किसी कारण से हमसे खो गई है, क्या दोबारा वो मिल जाएगी? तो आपको बहुत दिक्कत होती है आगे, क्योंकि ऐसा कुछ भी नियम नहीं है आपको दोबारा मिल सके आंसर की। इसलिए आपने जो OMR सीट के पीछे की कॉपी, आपको डुप्लीकेट कॉपी, दूसरी कॉपी जो आपको मिलती है उसे अच्छे से संभाल कर रखें पेपर के साथ में, क्योंकि जैसे ही ऑफिशियल आंसर की जारी होगी तो सभी की पेपर सीरीज एक समान नहीं होती है, ठीक है? तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि 130 आपके फॉरेस्ट गार्ड का पेपर की सीरीज है, सी का जो पेपर है वो आपका 13 तारीख का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। अब आप अक्सर ये कन्फ्यूजन में रहते हैं, 130 सी सर हमारा भी पेपर है, लेकिन यहाँ पर पेपर में सीरीज क्यों मैच नहीं हो रही है, हमारे क्वेश्चंस क्यों मैच नहीं हो रहे? क्योंकि बता देना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में थोड़ा सा आएंगे नीचे, तो यहाँ पर पेपर की सीरीज है 130 सी, ये तो आपका फॉरेस्ट गार्ड का 13 तारीख को मॉर्निंग का पेपर हो गया थर्ड शिफ्ट का, ठीक है? इसके ठीक बगल में यहाँ पर ये जो रेड बना हुआ है गोल गेंद जैसा, ठीक है, बॉल जैसा बना हुआ है, ये आपके पेपर की सीरीज है, इस सीरीज का पेपर है ये हमारा, ठीक है? तो ऐसे ही बोर्ड मास्टर पेपर जारी करता है, उसके आधार पर पूरा सॉल्ड पेपर मिलता है, तो वहाँ पर मिलान करने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं पेपर आपको उपलब्ध करवा देता हूँ ऑफिशियल आंसर के आधार पर। वहाँ से मैं एक क्वेश्चन से शुरू करता हूँ और 100 तक आपको पूरा क्वेश्चन, पूरा पेपर सॉल्व करवाता हूँ कि पहले क्वेश्चन में क्या बोर्ड ने उत्तर माना, और आप भी देख लें आपने उसका क्या उत्तर लगाया है, ठीक है? तो आप अपनी आंसर की में से पेपर में उत्तर लगा लें कि आपने क्या बोर्ड में, आप जब परीक्षा देकर आए तो क्या उत्तर लगाए, ठीक है? फिर वहाँ पर तुरंत मेरा वीडियो चालू कर लें, तो वहाँ से हमें पता चल जाता है कि बोर्ड ने क्या उत्तर माना है और हमने क्या उत्तर लगाया है। इस प्रकार से अपने नंबर चेक कर सकते हैं, कितने नंबर आपके बन रहे हैं, कौन से क्वेश्चन में आपको सस्पेंस रहता है वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर अपने आंसर की को ज़रूर से संभाल कर रखें, अभी नई नई ताज़ा ताज़ा हमारी आंसर की है, इसलिए अभी इसको संभाल कर रख लें। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र और जिले सही सुमेलित नहीं है? 41 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, भोराट का पठार, चित्तौड़ और भीलवाड़ा, ठीक है, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 42 नंबर के क्वेश्चन पर, पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, भगवान कृष्ण के जीवन से। गणगौर का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है? रिपीटेड है, बहुत से क्वेश्चन ऐसे आ गए, ध्यान ही नहीं गया, लेकिन ये बहुत मोस्ट है, कई बार आ चुका है, बहुत बार आ चुका है, कई एग्ज़ाम में आ चुका है 2022 की, ये कई भर्तियों में देखने को मिल चुका है, RSMSSB भर्ती बोर्ड की, अदर बोर्ड की बात ही नहीं कर रहा, सिर्फ RSMSSB भर्ती बोर्ड की ही बात कर रहा हूँ, जो ये पेपर आयोजित करवा रहा है उसके कई एग्ज़ाम में ये गणगौर और तीज वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। तो यहाँ पर गणगौर का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है? 43 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, चैत्र शुक्ल तृतीया को। मूछला महावीर मंदिर स्थित है। 44 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, घाणेराव, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 45 पर निम्नलिखित को मिलाइए, तो यहाँ पर मिलान करना है सूची फर्स्ट और सेकंड का, मंडी और स्थान। 45 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, 2, 1, 4 और 3। ऊन मंडी आपके बीकानेर से संबंधित है, संगमरमर मंडी आपके किशनगढ़ से संबंधित है, राजस्थान का कानपुर कोटा से संबंधित है, और गारमेंट सिटी भीलवाड़ा है, ठीक है? और ये जो आपके क्वेश्चन है इसमें से कई ऑप्शन ऐसे हैं जो लक्ष्य किताब में से पड़े हैं। वल्या आभूषण पहना जाता है कहाँ पर? 46 में ए आ जाएगा, हाथों में, ठीक है, हाथ में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है 47 में कहा गया है, जल उपलब्धता के आधार पर राजस्थान के उच्चतम दो नदियों के बेसिन कौन से हैं? 47 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, चंबल और बनास। 48 समाज सुधार के उद्देश्य से दैश हितैषणी सभा, रिपीटेड है, 2022 के भी करंट की एग्जाम्स में ही आया हुआ क्वेश्चन है, दैश हितैषणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? 48 में ये आ जाएगा, उदयपुर। पुरंदर की संधि 1665 ED किसके मध्य हुई थी? और 49 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह वाला।
ठीक है। तो ये फॉरेस्ट गार्ड का थर्ड शिफ्ट का पेपर आपको उपलब्ध करवाया गया है द फ्यूचर्स एजुकेशन द्वारा। आगे भी पाना चाहते हैं पेपर्स तो आपको मिलते रहेंगे, चैनल को लगातार विजिट करते रहें। वीडियो को एंड तक पूरा देखा इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।